नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात का है, जहां पर लगातार यमुना और सेंगो नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे मूसानगर क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें कि आंढन तथा क्षेत्र लगभग 8 से 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो वहीं पर सरकार की तरफ से एक नाव का इंतजाम किया गया है और बताया गया है कि अति जरूरत पड़ी तो अन्य नाव भी तैयार है। वहीं पर लगातार यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। इसके बाद भोगी पर विधायक विनोद कटियार ने बताया कि जिला अधिकारी जेपी सिंह से बात की गई है और कल सभी बाढ़ पीड़ित गाँव का निरीक्षण किया जाएगा, लोगों को उचित सहायता भी प्रदान की जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जब बाढ़ग्रस्त गांवों के संबंध में थोमनीपुर विधायक विनोद कटियार से बात की गई तो उनके साथ की गई खास बातचीत। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जगबहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। उसके लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में संज्ञान दिया था। कल जिले के जिलाधिकारी और मैं स्वयं दौरा करने वाले जो बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनको सहायता भी पहुंचाई जाएगी। सरकार के द्वारा आर्थिक उनका जिस तरह से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आर्थिक मदद भी कराई जाएगी। और निश्चित रूप से इस समय यमुना जी विकराल हैं, जो भी उपाय शासन और सरकार के द्वारा हो जाएंगे वो सारे संभव होंगे। डायरेक्टली जो यहाँ जो सिकंदरा से भुवनीपुर मुगल रोड है, यहाँ पूरी रास्ता जर्जर है, मुंगीसापुर भी जर्जर है, कटनी भी, जो आपका जो अमरोधा माचा आने वाला ये भी जर्जर है, इसमें क्या? दो विषय आपने जोड़े, भुवनीपुर से सिकंदरा जाने वाला मार्ग मुगल रोड है। मुगल रोड एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग का टेंडर बहुत जल्दी होने वाला है और इसको हम भोगनीपुर से सिकंदरा करीब 24 किलोमीटर का मार्ग को 2 लेन में परिवर्तित करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। बात माचा से और अमरोधा के बीच के मार्ग की बात है, तो इसका भी बहुत जल्दी टेंडर होगा, बहुत सुंदर मार्ग बनेगा और हम आप जब बन जाएगा तो फिर एक बार बात करेंगे। दूसरा मामला एक ये है कि टेंगा गांव, टेंगा और कोयटा में बाढ़ आने के बाद अभी तक कोई तहसील प्रशासन का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा है, जानकारी है आपसे? मैंने जैसे बताया कि जिलाधिकारी महोदय से कल ही मेरी वार्ता हुई है। कल के पहले बाढ़ की ऐसी विकराल स्थिति नहीं लग रही थी कि वो पानी गाँव में पहुँचेगा, लेकिन कल शाम को करीब 6:30 बजे बाढ़ का पानी गांव से करीब 10 मीटर दूर रह गया था। ये रात को संभवतः 10-11 बजे तक ये गांव में पानी आ गया होगा या आने वाला था, हमको सूचना मिली थी। मैंने ये कहा था क्योंकि आज अन्न दिवस है और ये कल की घटना है और आज अन्न दिवस है, और मैंने जैसे बताया कि कल हम जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करने के लिए जाना चाहते हैं, तो प्रशासन भी रहेगा, शासन भी रहेगा। तीसरा मामला एक और है, जो नाथू नहर से सिकंदर प्रजवा आया है नरोदा के लिए, ये कमलपुर गांव में कई एक महीने के अंदर करीबन 6 बार नहर कट चुकी है और वहाँ किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इसमें आप क्या कहें? देखिए पिंडारथू, इसको इटावा नहर कहते हैं, ये इटावा से होकर औरैया से होकर पिंडारथू से कानपुर देहात में प्रवेश कर जाती है। सिकंदरा से ये बहुत ही बड़ी नहर है, सिंचाई का बहुत अच्छा साधन है, उससे हमारा कई शाखाएँ निकली हैं। एक शाखा निकली है जिस जो शक्ति के कमलपुर के पास से निकलती है और वो अमरोधा तक आती है, दूसरी शाखा जो है वो रजवाहा के माध्यम से रमूम वगैरह होते हुए निकल जाती है, एक रजवाहा जो है वो किशनपुर की तरफ निकल जाता है, यमुना नदी में चला जाता है। ये अच्छी योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि जैनपुर से ये निकली हुई है, जैनपुर के सामने से, और इसका चूँकि जैनपुर के पास में लिंक मार्ग है वहाँ से इसका इंजन होता है।